मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अर्थशाह। आज हम बात करेंगे, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ने 22 मार्च को कर्फ्यू डे के लिए जो बोला हुआ है, तो ये कर्फ्यू डे नहीं है, ये केयर फॉर यू डे है। तो आप आपका केयर कीजिए, आपका फैमिली का केयर कीजिए। जो 7 AM सुबह 7 से रात को 9 बजे तक प्राइम मिनिस्टर ने बोला हुआ है कि हम बाहर ना निकले, हम घर के अंदर रहिए, तो इससे क्या है कि उनको भी सहूलत मिलती है, उनको कोई पर्टिकुलर एरिया सैनिटाइजेशन करना है, उनको डिसइंफेक्टेंट करना है, एक जोश बनता है। जो शाम को 5 बजे बोला हुआ है कि जोश हम लोग वो करेंगे, जिससे जो हेल्थ केयर वर्कर्स है वो भी डेफिनेटली दे ऑल्सो फील गुड। हमको साथ मिलके जुड़ के उससे लड़ना है। ये नॉट फॉर संडे, हमको आगे के दिनों में भी हमको ट्राई रखना है कि हम हो सके उतना कम से कम घर से बाहर निकले, जिससे हम इन्फेक्ट ना हो या हमसे हमारे कोई नेक्स्ट चेन इन्फेक्ट ना हो। और जो ओल्ड एज है और जो लोअर एज के जो बच्चे होते हैं, उन सबको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो इन्फेक्ट ना हो। हमको एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है कि जो हाई वर्थ लोग हैं, मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बिजनेसमैन है, उनको ध्यान रखना है कि उनके जो एम्प्लॉयज है उनकी वो सैलरीज कट ना करें उनको, क्योंकि ये टफ टाइम है। तो डेफिनेटली उनको हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है उनके स्टाफ के लिए। और अगर वो स्टाफ को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि अच्छे टाइम में स्टाफ सपोर्ट करता है, तो बुरे टाइम में जो ओनर होते हैं उनको स्टाफ को सपोर्ट करना है, क्योंकि हम सब इंडियंस हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हम अलग हो, हम ये जो तकलीफ की टाइम है उसमें हम साथ रहे। मॉल्स, पब्स, जो थिएटर्स है वो तो बंद किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, पर कई सारे सोशल गैदरिंग्स होते हैं, उनको भी हमको जाना अवॉइड करना पड़ेगा। ये हम साथ में करेंगे तो ही हम इससे जुड़ पाएंगे। जो फॉरेन से आए हुए लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे फॉरेन में जो भाई बंधु है वो रुके हुए थे, तो इट इज द ओनली इंडियन गवर्नमेंट के जिन्होंने इन लोग को वापस आने दिया है। अगर कोई गवर्नमेंट होती तो डेफिनेटली उनको बंद कर दिया होता, बोलगा कि आपको जहां पे रहना है वो रहो, आपको मरना है तो मरो, जीना है तो जियो, यहाँ पे जो है वो जीने चाहिए। पर हमारी गवर्नमेंट ने डेफिनेटली उनको बुलाया है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद नहीं किए, ओनली बिकॉज ऑफ वन थिंग, वो वहां पे रुके ना रहे, वो अपने देश में वापस आए। तो दोस्तों, अगर आप वापस आए हो तो आपकी सेल्फ को आप 2 से 3 वीक तक सेल्फ क्वारंटाइन करो, जिससे दूसरे लोग इन्फेक्ट ना हो। आपको लग रहा है कि आपको बुखार नहीं है तो पर ऐसा हो सकता है कि दूसरे को वो इन्फेक्ट कर सके। आप जो है वो कैरियर से स्टेट में हो सकते हो जिससे दूसरे को इन्फेक्ट हो, तो आप बाहर मत जाइए जिससे दूसरे लोग इन्फेक्ट हो। एंड जितना हो सके उतना आप अवॉइड कीजिए बाहर जाने का, जिससे एक से दूसरा ना हो। ये हमारे वहां अभी भी ग्रेड 1 स्टेज 1 में है। इटली, चाइना वो स्टेज 3 स्टेज 4 में पहुंच चुका है। हम नहीं चाहते हैं कि वो मल्टीप्लिकेशन हो और जहां पे है वहां पे अटक जाए, बिकॉज इंडिया आपने देखा हुआ है कि कभी भी वी हैव ऑलवेज बीन अ फाइटर, हमने फाइट किया हुआ है चीजों से, हम लोग लड़े हुए हैं, चाहे वो राइट्स हो, चाहे वो इतने दंगे होते थे, चाहे वो धरती कंप हो, कुछ भी हो, हम सब ने फाइट किया हुआ है। तो हम सब इंडियंस एक साथ जुट होके हम इससे फाइट करें और हम इससे बाहर निकले। थैंक यू सो मच दोस्तों।